नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भंडारा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू खड़ू के बीच विगत कुछ समय पहले तकरार व टकराव वाली स्थिति बनी थी, लेकिन उस समय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किए गए हस्तक्षेप के चलते उस टकराव को जैसे तैसे टाला जा सका था। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों ही निर्दलीय विधायक एक बार फिर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कारण खासदार नवनीत राणा युवा सेना पक्षाचा खासदार आहे आणि त्यांनी आमचे आम्ही देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे यांना आम्ही नेते मानतो आणि या आघाडीचं पालन कसं केलं पाहिजे ते वरच्यांना चांगलं ठाऊक आहे। पण योग्य वेळी मोदीजी, अमित शाहजी आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब नवनीत राणांबद्दल योग्य निर्णय घेतील आणि पूर्ण ताकदीनं या महाविकास आघाडीचं पालन युवासेना पक्षाच्या वतीने सुद्धा पूर्ण राज्यामध्ये केलं जाईल, जिल्ह्यामध्ये केलं जाईल। जो महाविकास आघाडीचं पालन करल त्याला उद्या विधानसभेमध्ये सुद्धा अचलपूर असो तिथे सुद्धा ताकदीनं युवासेना पक्ष त्यांना सपोर्ट करेल। पण याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं जर राजकारण झालं तर आज जर खासदार नवनीत राणा खासदारकीसाठी उभे आहे, महाविकास आघाडीचे सगळे घटक काम करत आहे, एखादा घटक जर कुठे वाकडा चालत आहे त्याला सरळ करण्याचं सुद्धा यंत्रणा ह्या विधानसभेमध्ये आम्ही दाखवू। कारण प्रत्येकाला इलेक्शन लढावं लागते, प्रत्येकाला एकामध्ये सहकार्य घ्यावं लागते आणि नक्कीच बच्चू कडू साहेबांनी ज्या सहकार्याची भूमिका पुढे घेतलेली आहे तर मला असं वाटतं ते आघाडीचं पूर्ण पालन करून ते नवनीत राणाला पाठिंबा देतील, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे। आज सुबह सबसे पहले विधायक बच्चू खड़ू ने महायुति के तहत अमरावती संसदीय सीट पर अपना दावा जताया और कहा कि महायुति समर्थक रहने के नाते सांसद नवनीत राणा चाहें तो प्रहार जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, जिन्हें प्रहार पार्टी भी अपना प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार है। साथ ही विधायक बच्चू खड़ू ने यह भी कहा कि लोकसभा के बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस बारे में आगामी 15 जनवरी को पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर अपनी भूमिका रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सांसद नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा ने विधायक बच्चू खड़ू के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक बच्चू खड़ू के साथ रहने वाले एक बड़े नेता द्वारा जल्द ही बच्चू खड़ू का साथ छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना या भाजपा में प्रवेश किया जा सकता है, अर्थात दूसरों की फिक्र करने की बजाय विधायक बच्चू खड़ू ने अपने आसपास के लोगों को संभालना चाहिए। वहीं विधायक रवि राणा ने यह भी कहा कि अमरावती संसदीय सीट पर सांसद नवनीत राणा एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी, उस समय विधायक बच्चू कड़ू व उनकी पार्टी ने नवनीत राणा की दावेदारी का समर्थन करना चाहिए, जिसके बदले में विधायक बच्चू कड़ू को युवा स्वाभिमान पार्टी का विधानसभा चुनाव में सहारा मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने कहा कि विधायक रवि राणा अक्सर ही किसी न किसी नेता को लेकर उलूल जुलूल बयान दिया करते हैं, लेकिन विधायक राणा ने उनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करना खुद विधायक रवि राणा पर बेहद भारी पड़ सकता है और ऐसे बयानों का जवाब आगामी चुनाव में विधायक रवि राणा को मेलघाट की जनता द्वारा दिया जा सकता है। खुद को अभी विधायक बच्चू कड़ू के साथ पूरी तरह से बताते हुए विधायक राजकुमार पटेल ने कहा कि उन्होंने मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के समय शिंदे का समर्थन किया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हिट एंड रन विरोधी कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों व ट्रक चालकों द्वारा संयुक्त कृति समिति का गठन करते हुए शुरू की गई हड़ताल को गत रोज इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा यू टर्न लिए जाते ही आज सुबह समाप्त करने की घोषणा की गई। नौसारी टी पॉइंट पर ट्रांसपोर्टरों द्वारा विगत दो दिनों से बनाए गए आंदोलन पंडाल पर आज सुबह सभी ट्रांसपोर्टर, ट्रक मालिक व ट्रक चालक इकट्ठा हुए, जहां पर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर कांग्रेस की ओर से इस बारे में केंद्र सरकार के साथ की गई चर्चा की जानकारी सभी के साथ साझा करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व ट्रक चालकों की जीत बताया गया। हड़ताल को खत्म करते हुए आज से अपना काम शुरू करने का निर्णय घोषित किया गया। ट्रांसपोर्टरों की दो दिन चली हड़ताल के कारण बाजार में जीवनावश्यक वस्तुओं सहित अन्य साहित्यों की आपूर्ति पर थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया है। दो दिनों तक ट्रकों के पहिए थमे रहने से बाजार में माल नहीं आ पाया। अमरावती की सब्जी मंडी में रोजाना 50 से 60 ट्रक सब्जियां आती थी, जिसकी एवज में आज केवल 5 ट्रक माल ही पहुंचा है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का दो दिन कोई भी असर नहीं रहा। अमरावती मंडी में सोमवार और मंगलवार को किसानों का कृषि माल हर दिन की तरह आता रहा और मंडी में नियमित आवक के साथ ही माल की लोडिंग भी दोनों दिन हुई। हालांकि तुअर के भाव में गिरावट रहने के चलते नई तुअर की आवक काफी कम हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को फिलहाल प्रलंबित रखे जाने के बावजूद आज अमरावती शहर में वाहन चालक कृति समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एडविन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकालकर इस कानून को रद्द करने की मांग की। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा। पोटे शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित टेकलॉन्स में हिस्सा लेते हुए देश की ख्यातनाम वक्ता जया किशोरी ने आज युवाओं से भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने मनपसंद क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया। उन्होंने महाभारत, भगवद गीता व रामायण के उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी मोटिवेट करने का प्रयास किया। अच्छे से पेपर दोगे तो अच्छे से चेकिंग करेंगे, अच्छे से नहीं दोगे तो मार्क्स कट होंगे। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ने की बजाय वो ये सोच रहा है कि कल मेरे पास कौन बैठने वाला है, किसी कौन बैठ रहा है। अपना लकी पेन लेकर जाता हूँ, लकी टी शर्ट पहन कर जाता हूँ। ये काम वो लोग करते हैं जो अपनी मेहनत पे ध्यान नहीं देते। जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा है वो ये तामझाम में नहीं लगता। एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी है। एक पेड़ है, उसके एक ब्रांच पे चिड़िया बैठी है। चिड़िया को दिख रहा है कि एक व्यक्ति उस ब्रांच को काट रहा है, फिर भी वो उड़ नहीं रही। वो बैठी है, वो इंतजार कर रही है कभी टूटे और गिरे। जैसे ही वो ब्रांच गिरता है वो चिड़िया उड़ जाती है। अब इसकी सीख है कि उस चिड़िया को ब्रांच पे तो भरोसा कभी था ही नहीं। इंसान तो पढ़ना बंद ही कर देगा, मेहनत बंद कर देगा, और जो मेहनत खत्म कर देगा वो दुनिया में कोई भी परिस्थिति से लड़ना बंद कर देगा। एक वल्चर्स का ग्रुप है। इसके साथ ही टेकलॉन्स में हिस्सा लेते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो के वैज्ञानिक पंकज किल्लेदार ने बताया कि वर्ष 2026 या 2027 तक तीन भारतीय गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे, जिस पर काम शुरू हो गया है। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री 3 दिन अंतरिक्ष में गुजारेंगे और मानव कल्याण हेतु संशोधन करेंगे। वैज्ञानिक किल्लेदार के मुताबिक भारत के अंतरिक्ष मिशन मानव कल्याण की भावना लिए हुए हैं। साथ ही उन्होंने 2 दिन बाद 6 जनवरी को आदित्य अभियान के यान के सूरज के और भी अधिक नजदीक पहुंच जाने का लक्ष्य प्राप्त करने की जानकारी दी। Land, water, cartography, oceanography, communication satellites, navigation satellites, and science exploration type satellites. So these are the building satellites, testing them and launching them either through our launchers or through commercial launchers. And fourth one is a capacity building, where you develop technical infrastructure by yourself as well as by other agencies. So this is the asset which is country's asset which can be used by other private agencies also. राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल कल गुरुवार 4 जनवरी को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे इस दौरे के तहत रिद्धपुर में नियोजित मराठी भाषा विद्यापीठ के थीम पार्क का जायजा लेंगे। पश्चात दोपहर 4:15 बजे मालटिकड़ी पर मनपा अंतर्गत प्रादेशिक पर्यटन निधि से मंजूर शिव सृष्टि प्रकल्प का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के कई उद्योग गुजरात भेजने की मानो राज्य में स्पर्धा ही लगी है। हीरा उद्योग के साथ ही अब महानंद दुग्ध प्रकल्प भी गुजरात भेजने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ज्यादा बेहतर रहेगा कि महायुति के नेताओं को ही एक बार गुजरात ले जाकर भेज दिया जाए, ताकि महाराष्ट्र को ऐसे नेताओं से मुक्ति मिले। जीजाव कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में 5 सीट हासिल करने वाले तथा खुद विजयी होने वाले परिवर्तन पैनल के अरविंद गावंडे ने बैंक के सभी मतदाताओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा परिवर्तन पैनल पर दिखाए गए विश्वास की कसौटी पर वे खरा उतरेंगे, साथ ही विपक्ष में बैठकर जीजाव बैंक के कामकाज पर बेहतर तरीके से नजर रखेंगे। आगामी 12 जनवरी को जिले में महाराजस्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नियोजन करने हेतु आज जिलाधीश कार्यालय में जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा जिलाधीश की अध्यक्षता के तहत समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सांसद नवनीत राणा ने जिला प्रशासन के सभी महकमों को इस अभियान की सफलता हेतु आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। साथ ही आह्वान भी किया कि संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में होने वाले इस अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
वर्ष 2016 में अमरावती महानगरपालिका के तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार का राजनीतिक दबाव के चलते वक्त से पहले अमरावती से तबादला किया गया था, जिसके खिलाफ मनपा के सर्वदलीय पार्षदों ने राजकमल चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित करने के साथ ही एक दिवसीय बंद का आह्वान किया था और कई दुकानों को जबरन बंद करने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने कुछ तत्कालीन नगर सेवकों व आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आज 3 जनवरी को सुनवाई की तारीख थी, जिसके चलते कई पूर्व पार्षद और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की अदालत में पेशी हुई, जिसके बाद अगली सुनवाई 15 फरवरी को करना तय किया गया। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत नई बस्ती बडनेरा में रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक होते हुए जयहिंद चौक को डाकघर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर मनपा प्रशासन ने कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके तहत इस परिसर में सड़क किनारे बनी छोटी मोटी गुमटियों को तोड़ने के साथ ही पक्की दुकानों के सामने किए गए अवैध निर्माण कार्यों को। रिपब्लिकन सेना के संस्थापक आनंदराज अंबेडकर ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं व वरिष्ठों के कहने पर अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनाव में वे खुद अमरावती संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आगामी 15 से 21 फरवरी तक देश के साधु संतों की उपस्थिति में भव्य गौ महाकुंभ और 1008 सहस्रकुंडी यज्ञ का आयोजन डबर गांव में आयोजित किया गया है। इस आशय की जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में संत माधवदास महाराज, श्रीमंत शिवानंद पुरी व महंत सुरेशानंद गिरी सहित महंत प्रेमानंद गिरी महाराज द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया कि जगतगुरु शंकराचार्य के निर्देश पर संत माधवदास महाराज की महाराष्ट्र के गौदूत के तौर पर नियुक्ति की गई है। जिले में रिकैलिब्रेशन केंद्र की स्थापना करने हेतु सिटी बस व गैस पर चलने वाले ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने परिवहन आयुक्त से इस बारे में चर्चा करते हुए समस्या के समाधान की मांग उठाई। बीएमबी परिसर स्थित 8 महाराष्ट्र बटालियन के अमरावती ग्रुप हेडक्वार्टर में एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि जात पात धर्म व लिंग से परे हटकर सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की भावना को रखना चाहिए। सांसद बोंडे ने बताया कि वे खुद भी किसी समय एनसीसी के कैडेट रहे, इस वजह से आज एनसीसी कैडेटों के बीच आने को लेकर उनमें काफी उत्साह था। संतरा व कपास उत्पादक किसानों के उपज माल को उचित गारंटी मूल्य मिलने की मांग को लेकर विक्रम ठाकरे मित्र परिवार तथा मोर्ची वरुड क्षेत्र के संतरा व कपास उत्पादक किसानों द्वारा आज वरुड तहसील कार्यालय के सामने मुलदाई चौक पर 1 से 1.5 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान सड़क पर संतरे फेंक कर और टायर जलाकर किसानों ने सरकार का निषेध किया। विदर्भ महाविद्यालय के पीछे स्थित मणिपुर लेआउट में विगत 3 दिनों के दौरान एक के बाद एक करीब 39 सुअरों के मृत पाए जाने की वजह से अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। हालांकि अब तक इन सुअरों की मौतों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इन सुअरों की मौतों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर नामक संक्रामक बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो मुख्यतः सुअरों में ही फैलती है। विगत 22 दिसंबर की दोपहर 4:30 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन के सामने तिरुपति होटल के बगल वाली गली में विक्रम संगत नामक युवक की सिर पर धारदार वस्तु मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने इससे पहले लोकेश चौधरी नामक आरोपी को शिरडी से गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस मामले में नामजद दूसरे आरोपी आयुष मेश्राम को भी बडनेरा पुलिस ने धर दबोचा है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत एक ही रात के दौरान करीब 9 किसानों के मोटर पंप पर लगाए गए 60,000 रुपए मूल्य के 3,600 फीट केबल वायर को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। साथ ही शिरपुर व येणस परिसर में भी एक कृषि पंप और 210 फीट केबल वायर की चोरी की गई। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस मामलों की जाँच कर रही है। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सायद गांव में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सोशल मीडिया ऐप के जरिए परिचय में आए युवक ने उसे अलग अलग तरीकों से संपर्क साधकर परेशान करना शुरू किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो इंस्टाग्राम के जरिए वायरल करने की धमकी दी। साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरे नगर में रहने वाला गोपाल थोरात नामक कुख्यात आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कार्रवाई से बचने हेतु शहर से भाग गया था, जिसकी पुलिस द्वारा लंबे समय से तलाश की जा रही थी और आज उसे चौरे नगर परिसर से गिरफ्तार किया गया। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी की रात येणी पांडरी गांव में रहने वाले संतोष बेठे के घर तालाकुंडी तोड़कर सोने चांदी के गहने व गेहूं के कट्टे मिलाकर 54,000 रुपए का माल चुराया गया था। मामले की जांच करते हुए परतवाड़ा पुलिस ने गजानंद क्षीरसागर व चेतन धोटे को गिरफ्तार किया, जिनके पास से गेहूं के कट्टे सहित सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए। धारणी में 2 अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठानों के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 96,000 रुपए का माल चुराया था। इस मामले में धारणी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरविंद मावसकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी किए गए माल को बरामद किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।